The next day. ये जो है माता का चुनरी है, ये सब चढ़ा सकते हैं आप सब। Oh my God! Soon after. ये है आंटी। हाँ, अगरबत्ती जला रही है। तो दोस्तों आप सब सब कैसे हैं, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। क्योंकि तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अभी जो है फिलहाल हम घर जा रहे हैं, क्योंकि तब पापा का जो तबीयत अचानक से ख़राब हो जाने के कारण फिलहाल जा रहे हैं घर। तो जाते जाते जो है मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, एक मंदिर मिलता है जो कि आकर्षणीय मंदिर है, और लॉकडाउन के काफ़ी दिनों के बाद हम पहली बार आ रहे हैं ये मंदिर, क्योंकि जाते हैं अक्सर ऐसे तो घर जाते हैं, तो हम कभी ऐसे तो गए नहीं हैं मंदिर बहुत दिन के बाद। आज जो है कुछ दूर जाके आप सबों को थोड़ा सा दिखाते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर मंदिर है। आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ जो है आकर्षणीय अखंड यात्रा को जो है मकर संक्रांति के दिन काफ़ी भीड़ लगता है, तो आप सब भी कभी आ सकते हैं। तो दोस्तों दिखाना चाहूँगा, तो बने रहिएगा व्लॉग से। तो दोस्तों ये है पूजा का सामान, यहाँ आप जब भी आइए आप सब यहाँ से ये सब यहाँ से ले सकते हैं। ये जो है माता का चुनरी है, ये सब चढ़ा सकते हैं आप सब। One eternity later. अभी तो मॉर्निंग का टाइम है दोस्त, तो आप सब भी आइए यहाँ। आंटी का चेहरा दिखा दीजिए तभी ना। ये है आंटी, हाँ अगरबत्ती जला रही है। तो ये तो दोस्तों आप सब अभी आइए यहाँ, जो है अखंड यात्रा जो है मकर संक्रांति को यहाँ काफ़ी भीड़ लगता है, तो आप सब भी कभी आइए। Day two. आज हम आए हैं आकर्षणीय मंदिर, और जैसे कि आप सब देख रहे हैं फिलहाल यहाँ अभी तो भीड़ नहीं है, इतना भीड़ नहीं है। तो Soon after. चाहूँगा कि मैं घर जा रहा था तो रास्ते में ही मेरा जो है कि जाते समय यह मंदिर मिलता है। अब तो उनको बताते चले दोस्तों, यह जो है मकर में जो कि अखंड यात्रा में बहुत काफ़ी भीड़ लगता है यहाँ, तो आप सब भी आ सकते हैं यहाँ। और अभी तो भीड़ नहीं है, अभी ये मॉर्निंग सुबह का टाइम है, तो अभी फ़िलहाल थक चुके हैं इतना दूर चढ़े। ये काफ़ी सुंदर जगह है दोस्तों घूमने के लिए, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं लोग श्रद्धालु पूजा करने के लिए। देख सकते हैं अब ये तो अभी काफ़ी दूर आ चुके हैं, बस अब ऊपर जाके आप सबको ऊपर से कुछ व्यूज़ दिखाएंगे, तो बने रहिएगा व्लॉग पे। तो गाइस फिलहाल हम ऊपर चढ़ के यहाँ थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, जैसे कि पीछे तरफ देख सकते हैं, पीछे का व्यू देख सकते हैं, उधर हम काफ़ी दूर चढ़ चुके हैं। मैं बैक कैमरा से आप सबों को दिखा रहे हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं हम। काफ़ी सुंदर मंदिर, यहाँ से जो लोकेशन है बहुत ही सुंदर है दोस्तों। Oh my God! आप सब भी कभी आइए यहाँ, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों
तो बने रहिएगा ब्लॉग पे यहाँ का। 1:37 later फिलहाल हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से ऊपर है माता कृष्ण की जी, ये ऊपर में है जहाँ की पूजा होता है। और यहाँ से आप सबों को दिखाते हैं नीचे का व्यू, देख सकते हैं इधर, ये देख सकते हैं यहाँ से। अभी तो यहाँ यहाँ रेस्ट करने के लिए अगर कोई थक जाता है तो यहाँ थोड़ा देर के लिए बैठ सकते हैं आप लोग। और यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहें। देख सकते हैं पीछे का व्यू, ये नीचे का व्यू है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ, ये ऊपर में है। यहाँ गया हम अभी फिलहाल ऊपर नहीं गए हैं, तो फिरते हैं दोस्तों। यहाँ हम फिलहाल हम कुछ दूर चढ़े हैं जो कि बीचों बीच, और यहाँ से माता कृष्णी का जो पूजा होता है यहाँ से जाना पड़ता है, इधर देख सकते हैं यहाँ से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो जो नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कुछ ही और कुछ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और थोड़ा सा अच्छा करूं। और मेरे पास तो इतना ना ट्राईपॉड भी है ना हम मेरे पास कुछ माइक वगैरह नहीं है, तो क्लियर आवाज़ तो सुनाई नहीं देता होगा। बस जो है हम मोबाइल से ही कर रहे हैं, और एडिटिंग भी हम खुद अपने से ही करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है मिस्टेक हो जाता होगा तो उसके लिए सॉरी। देख सकते हैं ये रहा पीछे के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी नीचे की ओर जाते हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग पे। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से पीछे नीचे की ओर देख सकते हैं, यहाँ तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। बाद आए हैं दोस्तों, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बहुत दिनों के बाद आए हैं। देख सकते हैं हम जो कि कल्याण देवता के जो है यहाँ पूजा किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सुंदर जगह है दोस्तों यहाँ घूमने के लिए, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग जो हैं आते हैं। ये देख सकते हैं 15 minutes later आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी नीचे की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ नीचे की ओर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से हम काफ़ी ऊपर ही आ चुके हैं दोस्तों, तो इतना ये तो नहीं दिखेगा आप सबों को, तो आप सब भी कभी आइए। और अखंड यात्रा में तो दोस्तों यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ लगता है। यहाँ जो सीढ़ी देख रहे हैं खाली खाली दिख रहा है, अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है तो दोस्तों यहाँ खाली खाली दिख रहा है। जैसे देख सकते हैं ये हुआ, यहाँ अगर तक जाते हैं तो आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। और ये रहा, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। पहले तो दोस्तों यहाँ सीढ़ी वगैरह नहीं था, अभी तो सीढ़ी बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब भी रोल वगैरह नहीं था तो ये सब भी बन चुका है, अब देख सकते हैं ये तो सीढ़ी भी बन गया है। पहले जो है ऐसे ही पत्थर वगैरह रहता था, देख सकते हैं इधर। हम नीचे की ओर जा रहे हैं, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अभी घर भी जाना है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ आकर्षणी ये जो आज आए हैं हम, आकर्षणी मंदिर है, और यहाँ काफ़ी भीड़ लगता है। और यहाँ देख सकते हैं सीढ़ी वगैरह बन चुका है, और यहाँ जो है कि अखंड यात्रा जिसको कहते हैं, जो कि मकर के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ लगता है और मेला भी लगता है यहाँ 2-3 दिन, तो आप सब आ सकते हैं यहाँ। और ये पीछे से इधर भी देख, हम अभी बैठे हुए हैं ठीक थोड़ा सा ऊपर बैठे हुए हैं,
यहाँ से जाना पड़ता है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों, जो कि अंदर ऊपर चढ़े।